أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ने हमें हर वो चीज़ें अता की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ज़रूरत आने वाली थी। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीगर मखलूकात पर फौकियत बख्शा और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। तो इंशाअल्लाह आज का जो मेरा टॉपिक होगा इल्म की अहमियत पर और उसकी ज़रूरत, जिसकी वजह से हम सारी मखलूकात पर फौकियत रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मखलूक मलाइका पर भी हमें फौकियत बख्शा। यकीनन इल्म बड़ी चीज़ है, बग़ैर इल्म के इंसान अंधा होता है, इंसान गूंगा होता है, बग़ैर इल्म के इंसान बहिरा होता है, बग़ैर इल्म के इंसान नहीं पहचान सकता कि उसका रब कौन है, नहीं पहचान सकता कि उसका खालिक कौन है, नहीं पहचान सकता कि उसका मालिक कौन है, नहीं पहचान सकता कि उसका दाता कौन है। बग़ैर इल्म के इंसान नहीं पहचान सकता कि उसकी शरीयतें क्या कहती है उससे, बग़ैर इल्म के इंसान नहीं पहचान सकता कि उसका रसूल उसे क्या सिखाता है, बग़ैर इल्म के इंसान नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता कि उसके क्या हुकूक़ हैं उसके रब पर, बग़ैर इल्म के इंसान नहीं जान सकता, नहीं पहचान सकता कि उसके माँ बाप के क्या हुकूक हैं, उसकी औलाद के क्या हुकूक हैं, उसके सोसाइटी में उसे कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसका उठना कैसा हो, उसका बैठना कैसा हो, उसका सोना कैसा हो, उसका जागना कैसा हो, बग़ैर इल्म के इंसान नहीं पहचान सकता, नहीं कुछ कर सकता। इल्म एक बड़ी चीज़ है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी इल्म को नवाज करके अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मलाइका पर फौकियत बख्शा। और यही चीज़ है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून, कि आप कह दीजिए क्या वो जो जानने वाले हैं और जो न जानने वाले हैं बराबर हो सकते हैं? यकीनन नहीं हो सकते, यकीनन नहीं हो सकते, जानने वाले और न जानने वाले बराबर हरगिज नहीं हो सकते, क्योंकि जो जानने वाले होते हैं वो अपने रब के सारे हुकूक़ को पहचानते हुए अपने इलाह का हक अदा करेंगे, अपनी उबूदियत का हक अदा करेंगे, और जो न जानेंगे वो जहालत में मुबतला होकर शिर्क पर शिर्क करते हुए चले जाएंगे, तो बिदआत पर बिदआत करते हुए चले जाएंगे और जहन्नम की गढ़े की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इल्म का सिलसिला वहाँ से शुरू होता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का फ़ैसला किया। सूरह बकरा की वो आयतें कहती हैं وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला किया कि फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, ज़मीन में मैं अपने मखलूक को भेजने वाला हूँ, वहाँ के लिए मैं एक मखलूक तैयार करने वाला हूँ। قَالُوا
اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. کیا تو ایسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہے جو کہ قتل و غارت گری کریں گے, جو کہ فساد مچائیں گے, جو خون بہائیں گے؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح, ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, ہم تیری تحمید بیان کرتے ہیں, ہم تیری حمد و ثنا بجا لاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, مجھے جس چیز کا علم ہے تمہیں علم نہیں. آگے باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب زندگی مل چکی ہوتی ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ملائکہ کے سامنے انہیں رکھتے ہیں, ملائکہ سے کچھ چیزوں کا دریافت کرتے ہیں کہ ان کے اسماء بتا دیں. اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو سارے وہ اسماء سکھا دیے ہوئے ہوتے ہیں. ملائکہ سے جب پوچھا جاتا ہے ان کے اسماء کے بارے میں, ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں, ملائکہ انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں اس کا علم نہیں, ہمیں نہ ہی معلوم یہ کیا چیز ہے, ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں سکھا رکھا ہے. انك انت العلیم الحکیم, یقیناً تو جاننے والا حکمت والا ہے. پھر اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اسماء, ان چیزوں کے نام بتا دیں. حضرت آدم علیہ السلام فر فر وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں, فرشتے مبہوت ہو جاتے ہیں, فرشتوں پر یہاں پر فوقیت حاصل کر جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. اور اس وقت اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو فوقیت بخشتا ہے ملائکہ پر, اور وہاں پر ملائکہ کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ملائکہ کو حکم ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرے. تو یہ ایک علم تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فوقیت بخشی. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے اونچا اٹھایا اور اشرف بنایا, یہ علم تھا, جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور جتنے بھی آنے والے انسان تھے ان کو اشرف بنایا اپنی سارے مخلوقات پر. اللہ رب العزت نے علم کی وجہ سے سارے انسانوں کو اونچا اٹھایا, یہ علم ہے. علم کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا, اسے نہ معلوم ہوگا کہ ہمارا اٹھنا کیسا ہو, ہمارا بیٹھنا کیسا ہو, ہماری شریعتیں کیسی کہتی ہیں, ہمیں کیا حکم دیتی ہیں, ہمیں کیا کرنے کے لیے کہتی ہیں, ہمیں کیا بجا لانا چاہیے, کیا ممنوعات ہیں, کیا اور اللہ رب العزت نے کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے, یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے, انسان بغیر علم کے نہیں پہچان سکتا. اور یہ علم جو ہے نا, اللہ رب العزت اسے ہی عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی, ارشاد ہے یوت الحکمہ من یشاء, اللہ تبارک و تعالی یہ علم جو ہے, یہ حکمتیں جو ہے جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. وَمَنْ يُوتِ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ تبارک و تعالی جسے
ये इल्म अता कर देता है, जिसे इस इल्म से नवाजा जाता है, गोया कि उसे बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है, बेहतरीन चीज़ें मिल जाती हैं। हमें इल्म के लिए दिनों रात कोशिश करनी चाहिए। असलाफ़ कराम की ज़िंदगी जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि हमारे असलाफ़ कराम अपनी ज़िंदगी को इल्म के लिए लगा देते थे, अपने बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए लगा देते थे, अपनी बेटियों को इल्म हासिल करने के लिए लगा देते थे। हमारे मुआशरे में अमूमन होता है कि अगर कोई इल्म हासिल करना चाहता है तो उसे बस फ़कत कुछ दिनों के लिए, और वो भी ऐसे इल्म हासिल करने भेजते हैं जिसके हासिल करने के बाद जस्ट कुछ टके कमा लें, कुछ रुपये कमा लें, कुछ स्किल हासिल करने के लिए भेज देते हैं, जिसको हम इल्म का नाम दे देते हैं, एजुकेशन, मुख्तलिफ चीज़ें इल्म का नाम दे करके हम अपने बच्चों को दिनों रात को लगा देते हैं उन चीज़ों में। लेकिन क्या ये इल्म काफ़ी होता है उसके लिए? जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस कुरान मजीद को नाजिल करना था उम्मत मुहम्मदिया पर, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली आयत नाजिल करना था, तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ने के लिए कहा गया। इससे कई बातें मालूम होती हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब कुरान का नाजिल करना था, इस दीन के लिए एक मुकम्मल ज़ाबते को नाजिल करना था, एक कानून को नाजिल करना था, और इस्लाम के बुनियाद जानते हैं कि इस्लाम बुनियाद इस्लाम वल खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामुस्सला व इताउ ज़का व सौम वल हज, ये पांच चीज़ों पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं कहा कि तुम जब पहली आयतें नाजिल करना था तो नहीं कहा कि कूलू शहादा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कहा क्या कि सल्लू, नहीं कहा कि वातु ज़का, नहीं कहा कि सुमु रमज़ान, नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब आखिरी और फाइनल किताब नाजिल करना था तो पहली आयत को जो चुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और पहली आयत का पहला वर्ड जो चुना गया वो था इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सूरह अलक की पांच आयतें, خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم। जब इन आयतों को हम गौर करते हैं तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की जो डिवाइन रूल है हमें उसका पता चलता है, आज हम में से बहुत सारे लोगों ने, यानी कि दुनिया वालों ने इल्म को डिवाइड कर दिया है। किस तरह से डिवाइड किया है? कुछ इल्म को दुनियावी उलूम, असरी उलूम के नाम से जान करके उन लोगों ने कुछ उलूम को बायोलॉजी, कुछ उलूम को सोशियोलॉजी, कुछ उलूम को फिजियोलॉजी, कुछ उलूम को जियोलॉजी, मुख्तलिफ नामे दे रखे हैं, जो मन में आया वो दे दिए जो उसके मुताबिक हुए। लेकिन जब कुरान की आयतें पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो निज़ाम, इल्म का निज़ाम को नाजिल किया है ना, उतारा था कुरान को जो नाजिल करना था, और वहां पर जब आयतों को पढ़ते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, रब के नाम से, यानी कि जब हम रब के नाम से पढ़ते हैं रब्बिकल्लज़ी खलक,
वहीं हम क्रिएशन को भी पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की क्रिएशन पर हमें गौर करनी चाहिए। और वहीं पर जब हम दूसरी आयतों की तरफ चलते हैं तो खलकल इंसान मिन अलक, फौरन वहां पर चले जाते हैं जो बायोलॉजी होती है, जिसमें कहा जाता है कि इंसान को लूथड़े से पैदा किया। और ये जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड्स अंदर में जो भी हमारे जो पैदाइशी मराहिल होते हैं उन चीज़ों को देखेंगे तो ये शुरुआती दौर में ही बता दिया गया, पहली पहली आयतों में ही बता दिया गया। इंसान को सिर्फ वही नहीं पढ़ना है कि हम बस एक चीज़ को पढ़ें और दूसरी चीज़ को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि कुरान कहता है कि अब गौर करेंगे कुरान की आयतों में तो ये चीज़ें मिलती हैं, फलयंजुरिल इंसान इला तुआमी अन्ना सबबना अलमा सब्बा ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا। जब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये गोया के एग्रीकल्चर की पूरी आयतें नाजिल हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बारिशें बरसाई, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को फाड़ करके वहाँ से दाने उगाए और वहाँ से एक लहलाते हुआ नन्ना सा पौधा क्रिसेंट उगता है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के फल उगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जब उन आयतों को पढ़ेंगे अफला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, जानवरों के बारे में गौर करो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानो। गौर करना क्या है? वही तो है तदब्बर, पढ़ना, फिक्र करना, उसके बारे में जानना। अफला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, समा आसमान के बारे में जब पढ़ने के लिए कहा गया, यही तो जो है जो एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कहते हैं उस पर गौर करने के लिए और पढ़ने के लिए कहा गया है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं, बस कुछ ही चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ते रहते हैं। और एक बड़ा अलमिया तो ये होता है कि हमारे में से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पढ़ने के लिए पहले तो रेडी नहीं होते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के बहाने होते हैं, बहुत सारे लोगों के बहाने होते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास बहाने होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहाने होते हैं कि हमारे पास वो असबाब नहीं है जिसके ज़रिए हम इल्म हासिल कर सके। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या कबूल हो सकती हैं? क्या ये सारी चीज़ें कबूल हो सकती हैं जब हम सहाबा कराम की ज़िंदगियों को देखते हैं? उनकी ज़िंदगियों में इतनी ज़्यादा फाका कशी थी, इतनी ज़्यादा फाका कशी थी। सहाबा कराम के लिए भी यूनिवर्सिटी का नाम दे तो कोई भेजा ना होगा, जो असहाब सुफ़ा सुफ़ा कायम किया गया जहाँ पर लोग इल्म हासिल करने के लिए आते थे, ऐसे ऐसे सहाबा कराम वहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आते थे जिनके पास खाने पीने की चीज़ें तक मुयसर ना होती थी। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बल्कि कंटिन्यू ऐसे सहाबा थे जो तीन दिन चार दिन तक बगैर खाए हुए इल्म हासिल करने में लगे हुए रहते थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत होती हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। जब उनकी ज़िंदगी पढ़ते हैं ना, जब उनके बारे में मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमाने के लिए नहीं जाते थे कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस उनसे न छूट जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात उनसे न छूट जाए। और कभी भूखे रह करके वो रास्ते में पड़ जाते थे, वो चबूतरे पर पड़ जाते थे, लोग ऐसा समझते थे कि उन्हें कोई बीमारी लाहिक हो गई है। इस इल्म के लिए, इस इल्म के लिए हमारे असलाफ़े कराम की ज़िंदगियों को देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई मदीने से दिमश्क का सफ़र कर रहा है तो कोई महीने महीने का सफ़र करके एक सहाबी दूसरे सहाबी के पास जाते हैं, कभी ताबईन महीने का सफ़र करके एक दूसरे सहाबी के पास जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए, कोई बगदाद का सफ़र करते हैं, कोई दिमश्क का सफ़र कर रहे हैं, कोई मदीने का सफ़र कर रहे हैं, कोई मक्के का सफ़र कर रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए। असलाफ कराम की ज़िंदगी को पढ़िए, जब उनके पास ये लाइट रोशनी मुहैया ना होती थी, चांद की रोशनी में इल्म हासिल करते थे।
जब जा करके देखेंगे तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े उलमा और ऐसे ऐसी किताबें लिख दी गई तारीख में, तारीख में ऐसी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी गई जिसे आज हम पढ़ करके हम अपनी इबादत को सुधारते हैं, अपने मामलात को सुधारते हैं। भी थे उन्हें इल्म हासिल करने के लिए जाना होता है, और इल्म हासिल करने के लिए कुछ यहां पर हमें कंडीशन पता चलता है जब मूसा अलैहिस्सलाम के इस सफर को पढ़ते हैं, सूरह कहफ की वो आयतें पढ़ते हैं, जब उनके पास पहुंचते हैं तो कहते हैं قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं आपसे, आप अपनी शागिर्दी में मुझे ले लीजिए, मुझे स्टूडेंट बना लीजिए, दरख्वास्त पेश करते हैं। قال انك لن تستطيع معي صبرا, वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं टिक सकते, तुम मेरे साथ नहीं ये कर सकते, क्योंकि ये इल्म हासिल करना जो हम देखते हैं मदरसों में जो इल्म हासिल करने जाते हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बड़ा सब्र तलब काम है, बग़ैर सब्र के ये इल्म हासिल नहीं हो सकता। हमारे लोग क्या होते हैं कि कोई एक किताब उठाते हैं, दीनी किताब उठाए, एक पेज पढ़ते हैं कि सर दर्द शुरू हो जाता है, पेट दर्द शुरू हो जाता है, दूसरे फ़ोन कॉल आने लगते हैं, फ़ौरन चले जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से पता चलता है قال إنك لن تستطيع معي صبرا, कि तुम मेरे साथ नहीं टिक सकते, सब्र नहीं कर सकते। وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا, तुम कैसे सबर कर सकते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। قال ستجدوني ان شاء الله صابرا, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं पेशेंस इख्तियार करूंगा, मैं सबर करूंगा इल्म के हासिल करने में। और फिर वो एक लंबा वाकया होता है जो उनके इल्म के हुसूल के लिए, फिर वो सफर में रवाना होते हैं और मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। तो ये इल्म हासिल करने के लिए सब्र की ज़रूरत होती है, बग़ैर सब्र के अगर हम चाहेंगे तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर हम चाहेंगे कि बस ये इल्म हासिल हो जाए, हमारे बहुत सारे बिदती भाई लोग कहते हैं ना कि मैं सोया था, सोए सोए बिदती आलिमों को देखेंगे तो पता चलेगा, वो कहेंगे कि हमारे ख्वाब में फला बड़ा आलिम आए। कुछ लोग तो ये भी दावा कर देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हमें ख्वाब में सिखा गए। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि हमने डायरेक्ट इल्म अल्लाह से हासिल किए, वो पता नहीं मुख्तलिफ चीज़ें, ये इल्म ऐसे ही नहीं आता है, ये इल्म ऐसे ही नहीं आता है। उसके लिए शुरूत शर्त अव्वल है कि हमें साबिर होने चाहिए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। बड़ी मुश्किलातें आएंगी, कभी असलाफ कराम की ज़िंदगियों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो जब पढ़ने जाते थे उनकी माएँ लेटरें लिखती थी, खतूत लिखा करते थे कि तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया, तुम्हारे दादा का इंतकाल हो गया, तुम्हारे फलां का इंतकाल हो गया, तुम्हारी माँ का इंतकाल, खतूत आते थे। क्या होता था कि कहीं वो खत उनके जहन को डाइवर्ट ना कर दे इल्म के हासिल करने में, उसीलिए वो उन खतों को जमा करके एक बॉक्स में या किसी डलिए में रख देते थे, गाड़े में रख देते थे। जब वो पूरी तरीके से इल्म हासिल कर चुके हुए होते तब वो दोबारा निकाल करके पढ़ते, उन लेटरों को पढ़ते तो पता चलता कि आज से 3 साल पहले किसी ने लेटर लिखा था कि तुम्हारे माँ का इंतकाल हो गया, किसी ने लिखा था कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया, किसी ने लिखा कि तुम्हारे बेटी का इंतकाल हो गया, किसी ने लिखा कि तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो गया, तुम्हारे दादा का इंतकाल, फुला फुला बड़े बड़े हादसात का जिक्र होता था, लेकिन वो उन खतूत को नहीं खोलते थे दौराने इल्म के हुसूल के दौरान, कहीं उनका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, कहीं उनका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए इल्म हासिल करने में। यही वजह है कि उन लोगों ने बड़े बड़े कारनामा कर दिखाए, बड़े बड़े कारनामा कर दिखाए, चाहे वो साइंसी मैदान हो, चाहे वो शरी मैदान हो, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड हो,
जब हम मेडिसिन के फील्ड में जाते हैं तो इब्न सीना को पाते हैं, जब हम मैथमेटिक्स के फील्ड में जाते हैं तो इब्नुल हैसम को पाते हैं, अलजिब्रा को पाते हैं। ये सारी चीज़ें मुसलमानों की इजादात थी, ये सारी चीज़ें मुसलमानों की देन थी, लेकिन हम वो हैं कि उन किताबों को पढ़ने से भी कासिर रहते हैं। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में, तो होता है देसी पारा। ये बड़ी बड़ी किताबें, इब्न सीना की किताबें, इब्न सीना जो कि नाम भी बदल दिया गया, इब्न सीना अल-क़ानून अल-कैनन नाम बदल दिया गया है, इन किताबों को देखेंगे ये सारी चीज़ें मुसलमान। आज बड़ी बड़ी थ्योरियाँ जो हैं को पता चलता है कि ये जो रॉकेट ईजाद हुआ है, आज के ज़माने में हम कहते हैं कि हमने ईजाद किया है, या मुख्तलिफ लोग अपना अपना जो चाहते हैं अपना लेबल लगा लेते हैं। ये आज नहीं, हारून रशीद के ज़माने में इसका सारा ज़ाबता, सारे जो इसका ढांचा और जितने भी उसके फार्मूलाज थे ईजाद हो चुके थे। वो हमारी कमी है कि हमने उसको डेवलप ना किया और उसे दूसरों ने हाथों हाथ ले लिया। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातें करते हैं वो आज की नहीं है, उनके अंदर जितनी भी चीजें देखेंगे तो पता ये चलेगा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही सारी चीजों को बता चुके थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, वो पानी को सेव करो, गरीबी को कैसे ख़त्म करेंगे, वो सारी चीज़ें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके थे। वो और बात है कि हमने उन चीज़ों को न पकड़ के रखा और हमने उन चीज़ों को, उन ज़ाबतों के ज़रिया हमने अपनी राह को न चुना और वो सारी चीज़ें गुम होती गई और आज हम बस कंगाल बने बैठे हुए दूसरों के मुंह ताकते हैं और दूसरों का नाम लेकर के कहते हैं कि फलां डेविड ने फलां कर दिया, फलां जॉन ने फलां कर दिया, फलां आइंस्टाइन ने फलां कर दिया और तो फलां मिल्टन ने फलां कर दिया। हम दूसरों का नाम लेकर के वाह वाह करते हैं और उसकी डिग्रियाँ लेकर के हम सोचते हैं कि हमने पीजी मुकम्मल कर ली तो हमने डॉक्टर ट मुकम्मल कर लिया। ये अलमिया, यही अलमिया है, अपनी चीजों को दूसरों के हवाले करके हमने ये सोच रखा है कि हमने बड़ी चीजों को पा लिया और वो सारी चीजें हमसे खत्म हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो बड़े बड़े उलमा इकबार हैं ये उठा लिए जा रहे हैं। यकीनन ये बात याद रखिए कि क़यामत की निशानियां हैं भाई, ये कि इल्म को उठा लिया जाएगा। कैसे उठा लिया जाएगा, ये बुक है इसका आसमान से कोई आएगी जला देगी, नहीं। कुछ रखा हुआ है, कोई बड़े आलिम है उसके दिल से इल्म ख़त्म हो गया, नहीं। क्या है, इन्ना अल्लाह ला यक़्बदुल इल्म इंतज़ान यंतज़िउहु मिनन नास, कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला वैसा नहीं उठाएगा जैसा कि हम सोच रहे हैं। वलाकिन यक़्बदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा, यकीनन इस इल्म को उलमा के उठा करके उठा लिया जाने पर इल्म को उठा लिया जाएगा। बड़े बड़े उलमाए की मौतें आज हम देखते हैं कि 2 से 3 साल 4 साल 5 साल के दौरान बड़े बड़े उलमाए कराम हमसे चले गए। अगर नाम लेना चाहेंगे तो हमारे जमीयत अहले हदीस के शेख हफीज़ुर रहमान साहब चले गए, जमीयत अहले हदीस के डॉक्टर आर के चले गए, बड़े बड़े उलमाए कराम चले गए। आलमी सतह पर देखेंगे तो उज़ैर शम्स चले गए, बड़े बड़े उलमाए कराम चले गए जिनसे हम दीनी इल्म का इस्तिफादा किया करते थे, जो कि मंबा थे इस इल्म के, चले गए और उन्होंने हमें छोड़ गया। आज ज़रूरत है कि हम पढ़ें
और इल्म हासिल करें, अगर आज हम इल्म हासिल करके अपने आने वाली नस्लों को न पढ़ाया तो आने वाली नस्लें वही जो मैंने अभी बताया कि कोई जॉन का नाम लेगी, कोई डेविड का नाम लेगी, कोई आइंस्टाइन का नाम लेगी, कोई जहांगीर बाबा का नाम लेगी, फला मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ों का नाम लेगी और शरीयतें पूरी चीज़ें उसका वहीं पर टम हो जाएगा और एक दिन वो आयतों के मुस्ताक हो जाएंगे जिसे कहा जाएगा सुम्मुम बुकमुन उम, वो एक दिन अंधे बन जाएंगे, गूंगे बन जाएंगे और बहरे बन करके रह जाएंगे। उनके दिमाग में न घुसेगा कि कैसी क्या शरीयतें कहती हैं, क्या हमारी शरीयतें हमें क्या इबादतें करने के लिए कहती हैं, क्या हक है, क्या बातिल है, क्या तौहीद है, क्या शिर्क है, क्या सुन्नत है, क्या बिदत है, क्या हकूक है और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ना मालूम होगा। वो बस एक तरक्की के नाम पर कुछ भी इल्म हासिल कर लेंगे, जैसे कि हम आजकल के अपने ज़माने में करते हैं कि व्हाट्सएप में आने वाले हर मैसेज को पढ़ करके सोचते हैं कि हमने बड़ा इल्म हासिल कर लिया है। यही चीज हमारे आने वाली नस्लें करेंगी। नस्लों में क्या होता है ना कि कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन गैप में आज हम जो चीज करते हैं कल हमारे आने वाली नस्ल उससे कहीं ज्यादा उन चीजों को करके क्या सोचेंगी कि हम अपने पहले वालों से, हमारे अपने आबा व अजदाद से हम ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। यही तो था जहाँ पर शिर्क व बिदअत शुरू होते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई शुरू के लोग जो होते हैं सिर्फ उसका फ़ोटो बनाते हैं, बाद में उसका स्टेचू बनता है और बाद के आने वाले लोग तो उसकी पूजा ही शुरू कर देते हैं ताज़ीम से हट करके। तो ये क्या होता है क्या कि ये कम्युनिकेशंस गैप और दरारें जो होती हैं ये बड़ी दरार आ जाएगी जो हम ना पहचान सकेंगे। इन्हीं चीजों को कहा गया कि हत्ता इदा लम यबकी आलिमन इत्तखदन नास रुसन जुहाल फसअलू फफ्ता बगैर इल्म फदल्लू वदल्लू। जब ये सारे उलमाए कराम चले जाएंगे, जे इल्म लोग चले जाएंगे, इल्म लोग, इल्म वाले लोग उठा लिए जाएंगे, तब लोग क्या करेंगे कि लोग आएंगे और जाहिलों के पास जाएंगे और उनसे सवाले करेंगे और उससे फतवा पूछना शुरू कर देंगे। आज हम लोग क्या होता है कि हम लोग आलिमों के पास बैठना गवारा नहीं करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारा टाइम चला जाएगा, फौरन क्या करते हैं कि हमारे दिमागों में ये घुस गया है कि आजकल इल्म हासिल करना बहुत आसान हो गया है। कुछ मसला का अगर कुछ मसाइल अगर दरपेश होते हैं तो फौरन हम लोग गूगल में टाइप करना शुरू कर देते हैं कि वहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिल जाए। और पता होनी चाहिए कि ये गूगल ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर किस्म के लोग अपने आर्टिकल्स डालते हैं। जहाँ पर एक आलिम अपना आर्टिकल डालता है वहीं पर मुस्तशिकीन भी अपने आर्टिकल्स डालते हैं, वहीं पर कादियानी भी डालते हैं, वहीं पर शिया भी डालते हैं। आप एक मामूली से इंसान होने के नाते से नहीं पहचान सकते हैं कि वो किसका आर्टिकल है और उनके थॉट्स को अपनाते अपनाते खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कहीं आप कादियानियों की तरफ चले जाए, कहीं आपके अंदर मुस्तशिकाना ज़हन ना आ जाए। यही तो होता है कि आज हम देखते हैं कि हमारी बहू बेटियां, हमारे घर की माएँ और बहनें यही गूगल का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि इस तरह की इल्मी महफिल में अपने घर के औरतों को आने से मना कर देते हैं। वो सोचते हैं खुतबे वगैरह में नहीं जाने देते हैं ना, बोलते हैं कि फितना होगा। तो हमारी औरतों को भी तो इल्मी की प्यास होती है, क्योंकि प्यास तो होगी ना इल्मी की तो प्यास होगी और प्यास बुझाने के लिए अपने कुछ ना कुछ तरीके तो अपनाएंगे ही। नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, हमें प्यास लगा है, यहाँ पर लिक्विड दिख रहा है, इस पानी को मैं पी लेता हूँ। अगर यहीं पर कोई शराब रख दे कलर बदल करके, शायद उसे भी पी लिया जाएगा। एक बताई जा रही है कि प्यास बुझाने के लिए, इल्म की प्यास बुझाने के लिए, यही वजह थी कि तलबुल इल्म फरीदा अला कुल मुस्लिम, के इल्म का हासिल करना हर मुसलमानों पर फ़र्ज है। आज हम अपने घर की औरतों को इल्म हासिल करने नहीं देते हैं, हम अपने बच्चों को सही आलिम के पास नहीं भेजते हैं जो जिसका मन करता है। कभी कोई बड़े बिदतियों का, कहीं मुशरिकीन का, पता नहीं मुख्तलिफ लोगों के वीडियो देख करके जो थोड़ा से चपड़ चपड़ करके बोलते हैं, लफाजी करते हैं, उसकी बातों पर भाग जाते हैं और कोई फलां फलां की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं और यह हदीसों की सुन्नत से हटते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को अपनाना शुरू करते हैं सिर्फ अपनी प्यास बचाने के लिए।
एक ज़ाबता होनी चाहिए, एक क़ानून होना चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, क्योंकि यही इल्म है जो इंसान को फ़र्क करता है, इंसान को आला बनाता है, इंसान को ऊंचा बनाता है। कहा गया फ़ज़लुल आलिमी अलल आबिद का फ़ज़लुल क़मर लैलतुल बद्र अला साइरिल कवाकिब। यकीनन ये जो आलिम होते हैं वो आबिद पर बड़े फजीलत रखते हैं। एक आबिद है भाई, आबिद मतलब होता है जो इबादत करता है, जो नमाज सुन्नतों पर सुन्नतें अदा कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि किस तरीके से इबादतें की जाए। उस पर आलिम की बड़ी फजीलत है, फजलुल आलिम अलल आबिद का फजलिल कमरी लैलतुल बद्र अला साइरिल कवाकिब। ये जो बद्र यानी चौदहवीं का चांद जो होता है ना, चौदहवीं का चांद को देखेंगे तो बड़ी रोशनी होती है, उसमें ज्यादा रोशनी होती है, और उसकी रोशनी के मुकाबले में ये जो छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। उस पर ये चांद, ये जो मून होता है, जो चौदहवीं का चांद होता है, ये फौकियत ले जाता है। यह हदीस कह रही है कि फजलुल आलिमी अलल आबिद का फजलुल क़मर लैलतुल बद्र अला साइरिल कवाकिब। के आलिम की फजीलत आबिद पर उसी तरह है जिस तरह के चौदहवीं चांद की फजीलत सारे सितारों पर है, सारे सितारों पर है। और वहां पर उसके आगे कहा गया कि वइन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। ये बड़ा शर्फ है, बड़ी बात है, इन चीजों को समझना चाहिए कि उलमा अंबियाए कराम के वारिस होते हैं। ये बड़ा शर्फ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इस पर हमें ईमान होना चाहिए, हमारा अकीदा होना चाहिए। और जब वहाँ पर कोई नबी नहीं आएगा तो वहीं पर कहा गया कि वइन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। ये उलमा हैं जो कि अंबियाए कराम के वारिस हैं। وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَلَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا। और ये अंबिया कराम दीनार और दिरहम वरासत में नहीं छोड़ते हैं। وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ और ये जो छोड़ते हैं विरासत में तो क्या छोड़ते हैं, इल्म छोड़ते हैं। فَمَنْ أَخَذَ بِهِ जो शख्स इसको ले लेता है, अखदा बिहद्दिन वाफिर ये बड़ी मकदार में उसे इल्म हासिल हो जाती है। अंबियाए कराम का वारिस बनना क्या होता है कि हम लोग हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे बाबा दादा कोई भी अगर मर के चले जाते हैं तो हम लोग क्या होता है कि विरासत के लिए झगड़े में पड़ जाते हैं, केस पर केस, मुख्तलिफ चीज़ें, हमें ज़्यादा प्रॉपर्टी मिले, हम ज़्यादा वारिस बना, हमारे पास ज़्यादा जायदाद आ जाए, लड़ो उसके लिए, रश्क करो उस चीज़ पर जिस पर रश्क करने के लिए कहा गया है। ऐसे वारिस ना बनो जो कल दिन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो लोग इन बिल्डिंगों के वारिस बनते हैं ये बिल्डिंग एक दिन टूट जाएगी, जो पैसों के वारिस बनते हैं वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, जो गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी के वारिस बनते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कहा गया कि अगर इल्म हासिल कर लो तो बड़ी चीज़ हासिल कर लोगे, आखा तब हद्दिन वाफिर बड़ी चीज़ हासिल हो जाएगी। और इसी पर रश्क करने के लिए कहा गया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रश्क नहीं समझेंगे, हसद, जलस, सिर्फ दो ही चीज़ों पर करने के लिए कहा। और वो क्या है कि एक वो शख्स जिसके पास दौलत हो और वो दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में लगाता है, अल्लाह के रास्ते में लुटाता है, ऐसे शख्स पर रश्क करने के लिए कहा गया। और एक वो शख्स जिसके पास इल्म है,
इल्म की दौलत है और वो उस इल्म के जरिया फैसला करता है और वो उस इल्म को सिखाता है। ऐसे शख्स पर रश्क करने के लिए कहा गया, ऐसे शख्स पर जलसी होने के लिए कहा गया, ये जायज है। लेकिन हम लोगों में जलसी क्या होती है कि फलां के पास एक बिल्डिंग है, मैं दो बिल्डिंग बना लूंगा, फलां के पास एक कार है, मैं दो कार खरीदूंगा, फलां के पास एक बिल्डिंग है, मैं दो बिल्डिंग बना लूंगा, मुख्तलिफ चीजें, ये एक दुनियावी चीजें हैं। याद रखिए, कुल्लू मन अली हफान, हर सारी चीजें खत्म हो जाने वाली है। अपने इल्म को बनाओ, अपने इल्म को हासिल करो, इल्म को हासिल करो, जब जाकर के अपने रब को पहचान सकोगे, अपने रब को पहचान सकोगे तो तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। यही वजह है कि हमारे सहाबा कराम बड़े मुश्ताक रहते थे इल्म का हासिल करने में, अपने दिनों रात को लगाते थे। सहाबा कराम का गिरोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने के लिए, इल्म के हुसूल के लिए तड़पते रहते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़िया याद होना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पड़ोसी थे, वो अपने पड़ोसी के साथ मुआहिदा किए थे, क्या कि एक दिन तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना और जिस दिन तुम जाओगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म हासिल करने के लिए, उस दिन मैं काम पर जाऊंगा, कमाने के लिए जाऊंगा, और जिस दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा उस दिन तुम कमाने के लिए चले जाना। ये एक बारी थी, और उन्होंने ये भी मुतय्यन कर लिया कि तुम जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनोगे वो आकर के मुझे बता देना, ताकि हम वो सारी चीज़ें, हमारे पास वो सारा इल्म इकट्ठा हो जाए, कहीं कोई हदीस न छूटने पाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात न छूटने पाए। यही वजह है कि वो इल्म हासिल करने की वजह से उनके दिल में तक्वा बैठ गया था, वो अल्लाह से बड़े डरने वाले हो गए थे। इन्हीं चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, के अल्लाह तबारक व तआला से जो डरने वाले लोग होते हैं वो उलमाए कराम होते हैं, नहीं तो जो ज़ी इल्म नहीं होते हैं उन्हें कुछ खौफ नहीं होता है, उन्हें सुन्नतों पर अमल करने या ना करने से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें महरम और गैर महरम का फ़र्क नहीं मालूम होता है, उन्हें सुन्नतों से कोई वास्ता नहीं होता है। यही वजह है कि जो लोग सुन्नतों को छोड़ते हुए रहते हैं उनकी शबीह बदल जाती है, उनकी शबीह बदल जाती है, उन्हें पता नहीं चलता है। आने वाला दिन जो है, चार पाँच दिन के बाद नया साल शुरू होगा, हम लोग खुशी से जो है एक दूसरे को विश करेंगे हैप्पी न्यू ईयर, उन्हें पता नहीं है कि क्या सुन्नत है और क्या बिदअत है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, उन्हें पता नहीं रहता है कि इन मुहर्रम के अय्याम में क्या थे और वो ताज़िये बनाएंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि ये मुहर्रम के अय्याम में क्या रोज़े भी रखने थे और वो लोगों को पानी पिलाने और शराबें पिलाने शुरू कर देंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि इन मुहर्रम के अय्याम में फिरौन को डुबाया गया था और उसके पादाश में उसी के सबब में रोज़ा रखा जाता है और इन दिनों में वो क्या कहते हैं आग जला करके उस पर दौड़ेंगे और उस दौड़ने को सोचेंगे कि हम नेकियां पर नेकियां हासिल कर रहे हैं। ये सिर्फ इल्म से बहरा होने के सबब होगा। यही वजह है कि आज हमारे मुसलमान इल्म से दूर होने की वजह से उनके पास ना खुदा है, ना एक अल्लाह है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास साइंस है, ना कुछ है, ना कुछ। तालीम से आती है अक्वाम में बेदारी, है इल्म के पंजे में शमशीर जहांदारी, कि जो कौम पढ़ती है, जो कौम लर्न करती है, जो कौम सीखती है, उसे अपने मुश्किलात से निकलने का,
उसे अपने मसाइब से निमटने का हल मालूम होता है, लेकिन जो कौम नहीं पढ़ती है उसे मालूम नहीं होता है। और पढ़ने के लिए कोई को जो बहाने मैं शुरू में बताया क्या कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म के बहाने करते हैं, वो कोई बहाना नहीं होता है। आज हिंदुस्तानी हुकूमत भी आपके लिए बहुत सारे एजुकेशन के लिए बहुत सारी स्कीमें तैयार की हुई है। मदरसे जो हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मदरसे मौजूद हैं, वो आपको बुलाती है, आपके बच्चों को बुलाती है कि आइए फ्री में इल्म हासिल कीजिए। लेकिन हमारे बच्चों को हम कितना लाड प्यार दे करके रखते हैं कि अरे मदरसा जाएगा तो पता नहीं वहाँ खाना कैसे दिया हो देंगे, वहाँ का सोना कैसा होगा, वहाँ का उठना कैसा होगा, वहाँ का बैठना कैसा होगा, इन चीज़ों को सोच करके हम नहीं भेजते हैं। वही वजह है कि आज हम अपने बच्चों में सोचते तो रह जाते हैं कि ये बड़ा आलिम बन जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है। और हम उसे कॉलेज में भेज देते हैं, हम उसे यूनिवर्सिटियों में भेज देते हैं। कोई बुरी बात नहीं है यूनिवर्सिटी में भी पढ़े, लेकिन कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के साथ साथ, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के साथ साथ, वो उलमा के साथ अपने राबते को मजबूत रखें। इन्हीं चीज़ों को कहा गया कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, चाहे से गुब्बारों में उड़ो, चरख पर झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिस की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉलेजेस में जाने के बाद, यूनिवर्सिटियों में जाने के बाद अल्लाह को भूल जाते हैं, अपनी हकीकत को भूल जाते हैं कि हम क्या थे और आज क्या हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखे कि अल्लाह तबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी चीज़ के बढ़ोतरी की दुआ नहीं की थी सिवाय इल्म के, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि ए अल्लाह मेरे माल में बढ़ोतरी कर दे, ए अल्लाह मेरे औलाद में बढ़ोतरी कर दे, मेरे औलाद मेरा फलां चीज़ों में ज़्यादती कर दे। लेकिन ज़्यादती मांगी, मांगी तो किस चीज़ में मांगी, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इल्म से नवाजे, शरीय उलूम से नवाजे, और जो भी चीज़ें हमारे लिए मुफीद हो सकती हैं इस दुनिया में उन चीज़ों को हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से दूर रखे। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बिला। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा ग़ैरुक।